जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 2024 में बम्पर वैकेंसी का आगमन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कौन से वैकेंसी में कितने पोस्ट है और कौन कौन से बच्चे इसमें भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 8वीं या 10वीं या 12वीं या ITI या ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और आप वर्दी पाने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए पूरा देखें ताकि आप लोग का हर एक डाउट इसमें कंप्लीट करें। तो दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। शायद इस वैकेंसी के बारे में किसी को मालूम होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोस्ट गार्ड के लिए ये वैकेंसी जो है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है और कितना फी लगने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो अप्लाई डेट है ये 7/10 स्टार्ट है और 5/11 तक इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका फ़ी लगने वाला है एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। दोस्तों, इसमें मैं एज के बारे में बता दूं तो इसमें 18 से 27 ईयर के बीच में आपका होना चाहिए। इसके बीच में नहीं है तो आप इसको इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है दोस्तों, ICG के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। दोस्तों, इसमें आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसका ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट में कितना वैकेंसी रखा गया है। हम देख सकते हैं किस पोस्ट में कितना वैकेंसी रखा गया था। दोस्तों, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेता हूँ होशियारपुर कोर्ट के लिए। दोस्तों, ये सेकंड वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये फॉर्म स्टार्ट है 10/10 से स्टार्ट है, इसका लास्ट डेट 30/10/2024 से तक इसका लास्ट डेट है। और दोस्तों, इसमें कोई भी फी नहीं लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों, इसमें एज लिमिट के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, मैं आप लोग इसमें एज लिमिट के बारे में बता दूं तो दोस्तों, 18 से 27 ईयर के बीच में इसमें आपका एज रखा गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है इस फॉर्म को भरने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है इसमें 30 पोस्ट रखा गया है क्लर्क के लिए। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म को अवश्य भरें, इसमें बहुत ही कम कंपटीशन होता है, बहुत ही कम आदमी इस फॉर्म को भरते हैं। दोस्तों, ये जितना फॉर्म है ये सब ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें ताकि आपका इसमें नौकरी होने का संभावना रहे। तो दोस्तों, ये जो जितना फॉर्म मैं बताया हूँ ये ऑफलाइन ऑफलाइन फॉर्म है। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।